कियारा आडवाणी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। वह हिंदी सिनेमा में एक उभरती हुई एक्ट्रेस हैं। कियारा आडवाणी का जन्म 31 जुलाई 1992 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदीप आडवाणी है। दोस्तों, वह मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के बचपन की दोस्त रही हैं। कियारा आडवाणी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से पूरी की। उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों का प्रशिक्षण अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल से ली। कियारा एक गैर फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। उनके पिताजी ने उन्हें इसमें करियर बनाने की इजाज़त फिल्म थ्री इडियट देखने के बाद दी थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में फिल्म फगली से डेब्यू किया। हाल ही में रिलीज हुई कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए कीर्तिमान बनाए और हर तरफ कियारा के अभिनय की तारीफ हो रही है। दोस्तों, उनके पिता सिंधी और माँ आधी मुस्लिम और आधी ब्रिटिश मूल की हैं। साल 2009 में जब उन्होंने थ्री इडियट्स देखी तो फिल्मों में आने का मन बना लिया। इसके लिए उनके पिता ने भी हाँ कर दी। वो अशोक कुमार की पड़पोती होने के साथ साथ सईद जाफरी की भतीजी भी हैं। अभिनय में करियर को बनाने के अपने सपनों के साथ साथ कियारा ने पढ़ाई पर भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मुंबई से स्कूली शिक्षा के बाद मुंबई में जय हिंद कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कियारा ने अनुपम खेर के स्कूल ऑफ एक्टिंग और रोशन तनेजा इंस्टीट्यूट में भी अभिनय का कोर्स किया। 2014 में कियारा आडवाणी ने अपनी पहली फिल्म फगली से अपना करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके साथ मोहित मारवाहा, बजेंद्र सिंह, अर्फी लांबा, जिमी शेरगिल भी थे। इस फिल्म के निर्माता अश्विनी याडी और अलका भाटिया थे। 2016 में कियारा आडवाणी ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म एमएस धोनी में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। यह फिल्म क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में कियारा आडवाणी ने धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने उनके साथ साफ पटानी भी थी। यह फिल्म काफ़ी सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा व्यवसाय किया। दोस्तों, 2017 में कियारा आडवाणी ने अब्बास मस्तान की फिल्म मशीन में नए अभिनेता मुस्तफ़ा के साथ काम किया। इस फिल्म में कियारा ने मोहरा फिल्म में रविंद्र टंडन और अक्षय कुमार पर फिल्माया गया मशहूर गाना तो चीज बड़ी है मस्त मस्त पर काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस गाने से कियारा आडवाणी को काफ़ी लोकप्रियता मिली। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, पर इसमें कियारा आडवाणी के काम को काफ़ी सराहा गया। तो दोस्तों, ये थी कियारा आडवाणी की बायोग्राफी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो कियारा आडवाणी के बारे में, वो भी हमें